नागपुर जिले के रामटेक तहसील अंतर्गत आने वाले 101 साल पुरानी मनसर जिला परिषद स्कूल के कक्षा 5वीं के 22 छात्रों के द्वारा एक साथ सरकारी स्कूल छोड़कर निजी स्कूलों में प्रवेश ले लिया, जिसकी वजह से जिला प्रशासन सख्ती में आ गई है। तो वहीं मुख्य अध्यापिका ने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर जिला परिषद स्कूल के बच्चों को TC दे दी है। मनसर जिला परिषद स्कूल में कक्षा 5वीं के कुल 28 छात्र छात्राएं थे, जिसमें आदर्श विद्यालय एवं चक्रधर विद्यालय के शिक्षकों तथा BEO रामटेक ADIS सहित केंद्र प्रमुख की मिली भगत से जिला परिषद स्कूल मनसर के 28 छात्रों में से 22 छात्रों ने आदर्श विद्यालय एवं चक्रधर विद्यालय में प्रवेश ले लिया है, जबकि बचे 6 छात्रों में से 4 छात्र भी निजी स्कूलों में जाने की तैयारी कर चुके हैं। छात्रों के द्वारा स्कूल छोड़कर निजी स्कूलों में प्रवेश लेने को लेकर मुख्य अध्यापिका के अनुसार वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश का पालन किया गया है, जबकि जिला परिषद सदस्य सतीश डोंगरे के अनुसार इस प्रकरण की जानकारी पदाधिकारियों को नहीं है। कारण न्यूज़ के लिए अजय मेहरकुले की रिपोर्ट। और हमारे साहब लोगों को जब पूछे जाता है ये प्रॉब्लम पर, तो वो मुझे अकेले को डाल देते हैं, इसलिए मैंने उनको पूछ पूछ के ही सब की, क्योंकि मैं पहले 1 जुलाई से चार्ज संभाली हूँ, मैंने कभी भी कोई स्कूल का चार्ज नहीं ली, इसलिए हमारे BO साहब और ADI मैडम और केंद्र प्रमुख, ये हमारे साहब है, ये जैसा बोलेंगे वैसा ही हम करते हैं। मनसर ग्राम पंचायत अंतर्गत आने वाली जिला परिषद स्कूल में 28 विद्यार्थी कक्षा 4 से जाके 5वीं में एडमिशन की है, और उसमें जब हमने सरपंच साहब और हमने जब स्कूल की बैठक लिए, तो उसमें ऐसा पता चला कि कुछ विद्यार्थी चक्रधर स्कूल में, कुछ विद्यार्थी आदर्श स्कूल में बैठ रहे हैं। लेकिन जब हमने आदर्श स्कूल और चक्रधर स्कूल और हमारे यहाँ के केंद्र प्रमुख BO ये सभी की जब हमने बैठक लिए, तो वहाँ ऐसा पता चला कि भैया इनके विद्यार्थी जहाँ पढ़ रहे हैं हम वहीं बिठा लेंगे, ऐसी पालकों की इच्छा है। तो फिर उन्होंने एप्लीकेशन दिए, एडमिशन लेके गए। हमारी इच्छा ये थी कि हमारा जो प्राथमिक स्कूल की 5वीं वर्ग भी बनना हो, ऐसा होने पर हमने एक बैठक ली है और बैठक में डिसीजन लिए थे कि बात तीनों स्कूल अच्छे से चले, क्योंकि तीनों स्कूल मनसर की है, और उसके बाद पालकों ने कौन सा प्रकार से और टीचरों ने क्या डिसीजन लिए, इस पर हम किसी पदाधिकारी को कुछ पता नहीं है। इथे यावर्षी 28 स्टूडेंटची ॲडमिशन आलेली होती, आणि ॲडमिशन आल्यानंतर 22 स्टुडंटची ॲडमिशन इथून सांनी गेलेली आहे। 11 दुसऱ्या प्रायव्हेट शाळेमध्ये गेल्या आणि 11 दुसऱ्या प्रायव्हेट शाळेमध्ये गेलेली आहे। तर ही जी समस्या आली, आम्ही यावर जे बघितलं समजायला असं आलं आहे की त्या शाळेचे टीचर्स लोक मिळून, जिल्हा परिषद शाळेचे टीचर्स लोक मिळून सांनी हे आपल्या म्हणजे इथे जिल्हा परिषद शाळेमध्ये कोणाला टिकून ठेवून राहिलेले नाही, ते आपापल्या दुसऱ्या प्रायव्हेट शाळेमध्ये देऊन राहिले। यांच्यात का गोष्ट होता है, का नहीं होता है, म्हणजे का यांच्यामध्ये बोलणं का होता है, कशाबद्दलचं होता है, हे समजायला येत नाही आहे। आणि जसा इथून सांनी आता समजायला येतं, आम्ही बोललो त्याच्यामध्ये हे अर्ज आम्हीनं बघितले जे 22 स्टुडंट लोकांचे आलेले आहेत, हे पूर्ण सेम टू सेम आहेत, म्हणजे कोणी एका टीचर्सने लिहून दिलेले आहेत आणि इथं फक्त पाठवलेले आहे, आणि एका दिवसाचे अर्ज आहेत। सगळे पॅरेंट्स लोक एका दिवशी कसे काय इथे आलेले आहे आणि इथून सांनी TC कशी का काढलेले आहे संशयमध्ये येते, आणि समजायला पण येत आहे की हा खूप मोठा स्कॅम आहे। श्रीवल्ली इन्फ्रा, योर सक्सेस आर ड्रीम्स। अब आपके सपनों का घर होगा अपना। आज ही अपने सपनों का प्लॉट बुक करें श्रीवल्ली इन्फ्रा के साथ। वर्धा रोड नागपुर में मात्र 9,90,000 से शुरू। महारेरा रजिस्टर्ड लेआउट, सुकली हिंगना झरी वर्धा रोड, पांचरी फार्म शंकरपुर, बुट्टी बोरी मोहगांव, चामठा मिहान जैसे लोकेशन पर पाएं विशेष सुविधाएं, जैसे सीमेंट रोड, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज लाइन, electricity with attractive gate and many more facilities are available. 80% bank finance are also available. For more details please contact 0712-350-7162. Office address F2122 Jayanti Nagri 4 above Purti Super Bazaar, Manish Nagar, Besa Road, Nagpur.